भारत माता की आरती अब पुष्पों से करने की नहीं बची, गोलियों से खून से करने की आरती बची है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया थाने में बीते गुरुवार को हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर थाने का घेराव किया। यह विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब 11वीं कक्षा की एक छात्रा को कुछ युवकों अश्लील मैसेज भेजकर परेशान कर रहे थे। संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जो तब तक जारी रहा जब तक कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया। मां भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का दावा है कि यह मामला लव जिहाद से जुड़ा है। उनके अनुसार एक विशेष समुदाय के युवक ने छात्रा को गंदे मैसेज भेजे और उसके एडिटेड वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इससे छात्रा पर बातचीत करने का दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी सिर्फ एक लड़की को नहीं बल्कि कई लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए परेशान कर रहे थे। मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और थाने का घेराव किया। बाद में कलेक्टर और एसपी ने समझाइश देकर स्थिति को शांत किया। आज जो बैरसिया में नाबालिग बच्चियों का शोषण फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से आया है, सर क्या है पूरा मामला? सर आज सुबह बैरसिया थाने में एक सूचना मिला था, अन्य समुदाय के कुछ लड़के लोगों ने नाबालिग लड़कियों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रताड़ना कर रहे, बेसिकली स्नैपचॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उसके थ्रू लड़कियों के साथ लगातार मैसेज करना और मैसेज के थ्रू प्रताड़न करना और फोटो वायरल करने का भी उन्होंने प्रताड़ना करने का हमको सूचना मिला था। और उसके साथ उन्होंने परिवार के साथ भी प्रताड़ना की है फोटो वायरल करने का, ब्लैकमेल करने के लिए। उसके संज्ञान में लेते हुए हमने आज एक लड़के को आज कस्टडी में ले लिया और उसके खिलाफ हमने आज बैरसिया थाने में अपराध कायम कर लिया। सेक्शन 78 सब क्लॉज 1 और 119 सब क्लॉज 1 BNS के अंतर्गत और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ हमने आज कार्रवाई कर ली और एक लड़के को कस्टडी में ले लिया। और बाकी लड़के लोग किस किस ने प्रताड़ना किया है उनका तलाशी में है और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर लें। सर कितने लड़के होंगे लगभग? सर ये अभी दो लड़के का हमारे पास नाम आया है और एक लड़के के खिलाफ हम ऑलरेडी कार्रवाई कर लिया है, उनके खिलाफ ऑलरेडी मुकदमा कायम है और बाकी एक लड़के का हम तलाशी कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर लेंगे। सर ये लड़का जो गिरफ्तार किया इसकी उम्र कितनी होगी? सर ये उसका उम्र 22 साल है। सर ये कहाँ का है सर रहने वाला? ये लोकल बैरसिया कस्बे का ही है लड़का। लगभग बच्चियाँ कितनी हैं जिनका शोषण हुआ? अब बच्चियाँ भी 3-4 बच्चियों का सूचना मिला है, हम 3-4 बच्चियों के साथ नाबालिग बच्चियों के साथ इन लोगों ने सोशल मीडिया में प्रताड़ना कर रहे थे करके। सर ये क्या ग्रो हो सकता है कुछ, इसके पीछे क्या है? सर अभी उसका वो विवेचना की बात है, अभी हम विवेचना कर रहे हैं, विवेचना में वो बात आ जाएगी। क्या इसे लव जिहाद के एंगल से भी इसको देखा जा सकता है? नहीं अभी हम वो कह नहीं सकते, अभी ये इनिशियल हमारा विवेचना जारी है, विवेचना में वो बात आ जाएगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे।